इस देश को लोगों ने बांटने की पूरी साजिश बना ली। कुछ लोग जिन्ना के प्रतिनिधि बनकर के जब देश में कठुआ का मामला होता है तो उसे धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक उन्माद एक ही बार हर शहरों में टी शर्ट पहन के लोग दिखाई देते हैं और 3 महीने बाद वो घटना घटी, लेकिन उनके आंसू कहाँ बंद हो जाते हैं, उनके मोमबत्ती कहाँ गुम हो जाते हैं जब गीता जैसी बच्ची को मदरसे में उसके साथ उत्पीड़न होता है तो लोगों की जुबान बंद हो जाती है, न बहस चलती है, न रोड पर निकलते हैं। ये देश के लिए घातक सूचक है। ये गलतफहमी में लोग ना रहें कि उनकी जुबान तगड़ी जुबान है और दूसरे की जुबान चुप जुबान है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो जिन्ना के समर्थक हैं वो अपना समर्थन अपने अंदर रखें। भारत में वो समर्थन की मंसूबा कभी पूरी नहीं होगी, चाहे कई लोग हैं। आज राहुल गांधी जैसे लोग जब राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत पर अभी मैं देख रहा था कि बैठ गए जब वंदे मातरम का, तो मुझे तो लगता है कि राहुल जी की मानसिकता जो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय भावना के प्रति वही भाव दिख रहा है जो ओवैसी के मन में है। ओवैसी के मन में, ओवैसी कभी राष्ट्रीय गान में अपने आप को उनका सम्मान नहीं कर पाते, खड़े नहीं होते, तो राहुल गांधी की भी मानसिकता दोनों में समानता दिख रहा है और ये दुर्भाग्य है।